एवरीवन आप सबके साथ आज मैं शेयर करने वाली हूँ अपनी पर्सनल टेस्टी मोमोज की रेसिपी सर्दियों में यार इसको खा के ना और मज़ा आ जाएगा तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मोमोज का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मोमोज की फीलिंग बनाना और ना मैं आपको चटनी भी बताती हूँ इसकी कैसे बनाती हूँ मैं तो कह रहा क्या सबसे पहले मैंने ऑयल ले लिया उसके अंदर ना जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला देखो जिंजर गार्लिक पेस्ट है ना बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है फीलिंग का देन उसके अंदर डाल दी मैंने आधी प्याज और शिमला मिर्च डाला और सोयाबीन को गर्म पानी में भिगो देना है देन उसका पानी निकाल के ना आपने उसको ग्राइंड कर

बनानी फिर ये मेरा फेवरेट प्रोसीजर है इसके अंदर ना क्या करो थोड़ा सा ऑयल डाला और मोमोज को सेट कर दिया फिर जब वो क्रिस्पी ब्राउन लेयर आ जाएगी ना तो आधा कप पानी डाल दिया कि हाँ इसमें मोमोज स्टीम हो जाएंगे और इनको रख दिया स्टीम होने के लिए अब शुरू करते हैं यहाँ पे चटनी बनाना मैंने यहाँ पे टमाटर दो लाल मिर्च आधी प्याज अदरक लहसुन ये सब डाल के पानी में थोड़ी देर बॉइल करा और इसमें ना धनिया ऐड करके नमक डाल के पीस लिया धनिया टोटली ऑप्शनल है आपको डालना है तो डालना दवाईज इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल देन उसके बाद हमारे मोमोज हो गए स्टीम मैं बता रही रूप इस प्रोसीजर से बनाओगे ना छी प्लस टीम मोमोज दोनों का टेस्ट आएगा और आपको मोमोज और टेस्टी लगेंगे इवन ये बाहर से भी ज़्यादा अच्छे लगेंगे पानी जब तक पूरा इवेपोरेट हो जाए तो बस हमारे मोमोज हो गए रेडी ऊपर से चिली फ्लेक्स पेरी पेरी मसाला डालो रेडी है फॉर मोर सच वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब होके बाय